17 नवंबर से आप लोगों का सब्सिडरी का परीक्षा शुरू हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, सब्सिडरी का परीक्षा जो है 17 नवंबर से आप लोगों का शुरू हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन जारी किया गया है। अभी अभी जितने भी जो स्टूडेंट्स 2020 और 23 के इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दीजिए कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सब्सक्राइब करेंगे तो बगल में एक घंटी का ऑप्शन दिखेगा, उसको भी दबा दीजिएगा कि आने वाली हर वीडियो का अपडेट जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। सबसे पहले आप लोग अपने अपने मोबाइल फ़ोन का गूगल ओपन करें और सर्च बॉक्स में टाइप करें जे पी। आपको गूगल पर सर्च करना है jpbadmission.org, ठीक है, लिख कर आपको सर्च कर देना है। जैसे आप लिख कर सर्च करेंगे आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा जेपी यूनिवर्सिटी का। ओके, जेपी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाता है, ऑथेंटिफिकेशन रियल इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर डाला जाता है, तो प्लीज़ आप लोग दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताएं इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। आप जैसे कि मान लीजिए आप जेपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपके दोस्त मित्र भी कोई जेपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो उनको बताइए इस चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। सब्सिडरी विषय का 17 नवंबर से परीक्षा शुरू हो रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा और प्रिपरेशन अपना तैयारी जारी रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर। काफ़ी स्टूडेंट्स ये सवाल कर रहे हैं कि सर परीक्षा बीतने के बाद हमारा रिजल्ट कब और कितने तारीख को कितने दिन के अंदर में जारी होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, परीक्षा बीतने के बाद मात्र 30 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का रिजल्ट जो है जारी हो जाता है। 30 डे में रिजल्ट जो है जारी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 30 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट जो है बन कर तैयार हो जाता है। जेपी विश्वविद्यालय की ऐसी कुछ मतलब कि कुछ ऐसा जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी जो है सेशन लेट चल रहा था, जिसकी वजह से जो है लेट हो गया, पर अब लेट नहीं होगा। 30 दिन के अंदर अंदर में जो है रिजल्ट तैयार हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जेपी यूनिवर्सिटी के 20 और 23 के सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि आप लोग जो है जितने भी जो स्टूडेंट्स रिजल्ट को लेकर सवाल कर रहे हैं, तो अभी रिजल्ट को लेकर सवाल ना करें। आप लोग जो है अभी अपना प्रिपरेशन तैयारी जारी रखें और परीक्षा जो बीता है तो अभी परीक्षा बीतने के बाद 25 से 30 दिन के अंदर जो है रिजल्ट जारी होगा। आप लोग इंतजार करिए रिजल्ट को लेकर, ठीक है। और सब्सिडरी विषय का 17 नवंबर से परीक्षा है, तो आप लोग जो जो आपके दोस्त मित्र हैं जिनका सब्सिडरी का पेपर होने वाला है, उनको बता दीजिएगा कि उनको उनकी हेल्प हो जाए, ठीक है। और किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो नीचे मैसेज करके आप पूछ लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।